नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के बारे में बताऊंगी। आइए सुनते हैं। महर्षि मार्कंडे जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र स्वर्णिम की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की स्त्री छाया से उत्पन्न स्वर्णिम जग जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मन्वांतर के अधिपत्य बने, वह विशिष्ट कथा सुनिए। प्राचीन काल में सर्वोच्चीर मन्वांतर के चैतवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन किया करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सी सेना होने के कारण यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रुओं राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजाओं का कोष, सैन्य और समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा हार कर ही अकेला घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां उन्होंने महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर वो उसी आश्रम में रहने लगे। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य और प्रजा की चिंता से विचारने लगे कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे दूर चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्यों का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मन के वश में हो जाने से कष्ट भोग रहा होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग और व्यर्थ में ही अपव्यय कर रहे होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इसी प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोकयुक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री व पुत्र आदि ने मुझसे धन के लोभ में आकर घर से निकाल दिया और मेरा धन भी छीन लिया। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी पुत्र स्त्री एवं बंधुओं का कुछ पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र व तथा स्वजनों की परिस्थितियों को नहीं जानता हूँ कि वो इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी हैं। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तुम्हारे धन और संपत्ति को छीन लिया, फिर भी तुम उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वो वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं, चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्र आदि ने मेरे धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्र फिर भी उन्हीं पर आसक्त होता है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों को निमोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे दिव्यश्रेष्ठ, राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेघा मुनि के समीप जाकर प्रणाम करके बैठ गए और मेघा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ।
हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बंधुओं की ममता मुझसे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए कि मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है, यह भी उनसे अत्यंत अशक्त रहता है, इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता से असक्त रहता है, इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेघा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं, कोई दिन में नहीं देखते तो कोई रात्रि में नहीं देखते, कोई दिन रात्रि दोनों में समान देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, केवल इसमें भी सभी पशु पक्षियों मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ही ज्ञान होता है, यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे पशु पक्षी आदि में आहार विहार निद्रा आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, भूखे होने पर भी ममतावश वो अपने बच्चों को चोंच से स्नेह से चुगा देकर प्रसन्न करते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्र से इसी भांति बर्ताव करते हैं, वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धा अवस्था आएगी तब ये हमारा पालन पोषण करेंगे। क्या तुम यह नहीं देखते कि पुत्रादि उनका भरण पोषण भी ना करें तो भी माता पिता करते हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वो मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है, यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींच कर मोह में डाल देती हैं। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और ये देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती हैं जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह बोला, हे भगवान, अब जिसे महामाया कहते हैं वो कौन सी देवी हैं? वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में भी सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य हैं और चराचर में व्याप्त हैं, यद्यपि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से हुई है, उस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती हैं और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती हैं। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अनंत में जल ही जल करके योग निद्रा से शेष शय्या पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान की मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने का वो आतुर अपनी ओर आता देख और भगवान विष्णु को सोता हुआ देख ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नता एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्र से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े और योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थित एवं संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम पितरेश्वर का पोषण करने वाली हो, तुम इंद्रों की यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाली हो
मृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर भी तुम ही हो, नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, शिवरात्रि और संसार की जननी हो। और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या, महादेवी, महासूरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीन गुण सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि हो। आप ही खड़क सूल घोर गदा शंख धनुष बाण आदि अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाली आप ही हो। हे देवी, आप ही सम्यता हो। संसार में आप ही अति सुंदर हो तथा अप्सर अपरों में श्रेष्ठ भी परमेश्वरी हो। जो इस विश्व की रचना और पालन संहार करते हैं उन भगवान विष्णु को अपने आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए कि कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रकाशित हो। मधु और कैटब नाम के इन महादुष्टों को आपने आप अपनी ओर मोह लीजिए और विश्वपति भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। बोले, इसी प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटब असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन मुख नाक भुजा हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अपव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन परक्रमी वीरवान मधु और कैटब असुरों को देखा, जिनकी ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल हो रही थीं। तब भगवान विष्णु ने शेर सैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउत्तम दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। तथा दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वह भगवान से कहने लगे, हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जिस जगह पानी ना हो। ऋषि मेघा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कहा और दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इसी प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई। आगे का अध्याय सुनने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।